क्या आपने कभी इंटरनेट पर ये सर्च किया है, हाउ टू डील विद अ हार्ट ब्रेक? एक बार ट्राई जरूर करना। आपको गूगल आपकी रिलेशनशिप से भी लंबे आर्टिकल्स दिखाएगा विद सॉल्यूशंस लाइक अपनी फीलिंग्स को वक्त दो, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, कीप योरसेल्फ बिजी। मैं ये सब कुछ ट्राई कर चुकी थी तो लगा कि अब जवाब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हर आर्टिकल मुझे अपनी फीलिंग्स से भागने को मना कर रहा था, इसलिए एक दिन मैंने अपनी हकीकत से ही भागने का प्लान बनाया। आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ रोड ट्रिप विथ माई फ्रेंड। सो दैट वीकेंड वी रोड ऑन हिज बाइक एज फार अवे फ्रॉम द सिटी एज वी कुड। हमारी डेस्टिनेशन शहर से दूर नदी के किनारे एक छोटा सा प्यारा सा हॉस्टल। वहां पहुंचते ही आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ। नदी की वो हल्की सी धुन, हवा में पेड़ों का झूमना और चिड़िया का चहकना, सारी थकान समझो गायब ही हो गई थी। हमने वहाँ कैफे में जाकर खाना मंगवाया और वहीं कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो हमारी तरह वीकेंड बिताने वहाँ आए थे। हम सब इतनी जल्दी घुल मिल गए कि लगा जैसे सब एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। वी ऑल प्लेड कार्ड गेम्स टुगेदर एंड इवन हैड लंच। पहला दिन कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन की सुबह मेरे दोस्त को रिवर राफ्टिंग करने जाना था। रिवर राफ्टिंग साउंड्स फन राइट, मगर एक प्रॉब्लम थी, पानी के फोर्स से आप नदी में भी गिर सकते थे। मुझे स्विमिंग नहीं आती तो पानी से डर लगना जायज है, पर वहां मिले नए दोस्तों ने भी इतना इंसिस्ट किया कि मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले on how to row the raft, when to stop, when to duck, and what to do if you fall into the river. ये सब सुनकर तो मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने अपने दोस्त को पास बुलाकर कहा, यार सुन, मैं ऐसे सिंगल डूब कर नहीं मरना चाहती। वो मुझे देखकर हंसने लगा और बोला, लोग पानी से नहीं डर से डूबते हैं। कुछ कहती उससे पहले ही हम राफ्ट में बैठ गए। And what I had been afraid of turned out to be one of the most exhilarating experiences I ever had. पानी के बहाव के साथ हम ऊपर, नीचे, आगे, पीछे हर तरफ बह रहे थे। ठंडी सी हवा चल रही थी और हम सब गाने भी गा रहे थे। इंस्ट्रक्टर के कहने पर हम कभी तेजी से रो करते तो कभी पानी के बहाव के संग चल देते। डर ने अभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था जब इंस्ट्रक्टर ने कहा, प्रिपेयर फॉर द बिगेस्ट वेव। जब मेरी नजर आगे पड़ी तो वी कुड ऑल सी अ ह्यूज वेव कमिंग टुवर्ड्स अस। लेकिन मुझे इंस्ट्रक्टर पर अब भी भरोसा था। मैंने सोचा था कि वो हमें बताएंगे कि कैसे इस वेव को भी पार करना है। लेकिन जैसे ही वो वेव आई, उन्होंने कहा, ओर्स अप एंड डक। वेट, डिड ही जस्ट आस्क अस टू सरेंडर? आई थॉट दिस इज इट, मैं ऐसे ही पानी में गिरने वाली हूँ। For a second, I almost blacked out. Next thing I know, वो वेव हमारे ऊपर आई, राफ्ट ऑलमोस्ट टेढ़ी हो गई और हम सब पूरी तरह से गीले हो गए। मेरी धड़कनें अब भी तेज थी जब मैंने देखा कि सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। This was actually fun. उन सबको देखकर मैं भी हंसने लगी। उस दिन पानी की लहरें मानो ये सिखा गई कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट गो, इवन इफ इट मीन्स गेटिंग ड्रेंच्ड। वी हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड ऑफ आवर राफ्टिंग एडवेंचर जब इंस्ट्रक्टर ने कहा, अब सब लोग पानी में कूद सकते हैं। अब तक जो आदमी हमें पानी में गिरने से बचने की सलाह दे रहा था, अब अचानक से वही हमें पानी में कूदने को कह रहा था। राफ्ट में बैठे सभी दोस्त एक एक कर पानी में कूद गए। मैं अब भी हिचकिचा रही थी, लेकिन वो सब मुझे बुलाने लगे। आ जा यार, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, एक दोस्त ने कहा। बहुत पीयर प्रेशर के बाद मैं राफ्ट के एक छोर से दूसरे की तरफ दौड़ी और पानी में ही कूद गई। जैसे ही पानी ने मुझे छुआ, धड़कनें फिर तेज हो गई। आई वेंट फ्रॉम बीइंग अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग टू जंपिंग इनटू द सेम वाटर इन लेस देन अ डे। पानी में जाते ही रिफ्लेक्स से मेरे हाथ पैर फिर से चलने लगे और लाइफ जैकेट की मदद से मैं तुरंत ही ऊपर आ गई। बट दैट ब्रीफ सेकंड व्हेन आई वाज अंडर वाटर, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सरेंडर, ऑफ लेटिंग गो। समथिंग आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ ऑल माय लाइफ, समथिंग आई वाज अफ्रेड टू डू इवन विथ माय रिलेशनशिप। मुझे गम में डूब जाने का,
उस इंसान को खो देने का बहुत डर था। आई वॉज स्केयर्ड टू एक्सेप्ट दैट इट इज ओवर। पर उस दिन की तरह धीरे धीरे लाइफ में भी आई मैनेज्ड टू फ्लोट। शायद हम अपने गम में डूबकर ही तैरना सीखते हैं। हम समझते हैं कि इश्क की हर कहानी मुलाकात से शुरू और बिछड़ने पर खत्म हो जाती है, पर उसके बाद का जो वक्त है तब प्यार की एक और कहानी लिखी जाती है जो गम की लहरों में तैर कर हमें खुद से मिलाती है। उस ट्रिप से लौट कर आई हैव लर्नड द बेस्ट वे टू डील विद अ हार्ट ब्रेक। कूद जाना अपने कल की परछाई में, आज की तन्हाई में, दिल की गहराई में, ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हम डूबे नहीं, बस तैरना सीख रहे हैं।